उन दिव्यांग बहनों को आगे आने दीजिए। जिस प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा जाता है, उस तानाशाह का एक ऐसा वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति भावुक हो जाए। लाखों की जनता में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर दो दिव्यांग बहनों पर गई तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को रोक दिया और लोगों से अनुरोध किया कि उन्हें कतार में आगे लाया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना गए हुए थे जहां उन्होंने चुनावी शंखनाद की, लेकिन इन तमाम चीजों से परे जब लाखों की भीड़ में प्रधानमंत्री मोदी की नजर दो दिव्यांग बहनों पर गई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो किया, ये आज उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो प्रधानमंत्री को तानाशाह कहते हैं। अगर ये व्यक्ति तानाशाह है तो फिर उन दिव्यांग बहनों को कतार में आगे लाने का अनुरोध क्यों कर रहा है? उन्हें क्यों चिंता है कि जो भीड़ में जनता आई है वो सुरक्षित है या नहीं है? आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा गार्ड से ये अनुरोध करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि उन दो तीन दिव्यांग बहनों को असुविधा हो रही है, उन्हें कतार में आगे लाया जाए। उसके बाद कुछ व्यक्ति दिव्यांग बहनों को गोद में उठाकर उनके व्हीलचेयर को कतार में आगे लाते हैं, फिर उन्हें आगे बैठाया जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण को फिर से शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव है, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर ना बैठ सके, कोई और प्रधानमंत्री आ सकता है, लेकिन पीएम मोदी का जो व्यवहार है वो स्वर्णिम अक्षर से लिख दिया गया है। पीएम मोदी का जो व्यवहार है वो हर उन आरोपों पर तमाचा है जो कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुका है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस वीडियो को देखने के बाद भावुक ना हो। प्रधानमंत्री के भाषण में भावुकता नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जनता को लेकर प्रेम और उनके प्रति जो स्नेह है वो दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर तानाशाह कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे तानाशाह की जरूरत आज देश को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वायरल वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।